हाँ तो भाई, स्वागत है सभी बालक बालिकाओं, छोरे छोरियों, लौंडे लौंडियों और मेरे सभी प्यारे निब्बा निब्बियों का भी, समझ रहे आप। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टॉप 5 हवाई हमले, उड़न खटोले वाले हमले, उड़ते उड़ते पेलम पेला, समझ रहे हो आप, मतलब उड़ती रहेगी आपकी आर्मी, मार्केट में पैर ही नहीं रखेगी, बिना पैर रखे ही धोएगी। एकदम बढ़िया आर्मीज हम आपको आज सिखाएंगे, जिनके जरिए आप अच्छे अच्छे बेसिस को 3-स्टार अटैक का झटका दे पाएंगे। आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे सीधा अटैक्स की तरफ। और चैनल पे पहली बार आए हो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। टॉप 5 हवाई हमले की पहली आर्मी आप लोग देखने जा रहे हैं, और ये है आपकी प्यारी भयानक आर्मी, जो कि कितनी भयानक है हमको भी नहीं मालूम। आइए चेक करते हैं। पर भयानक बहुत है। क्योंकि ये आपकी क्वीन चार्ज हलवा ड्रैगन राइडर्स। किंग अलग ही जा रहा है, क्वीन जा रही है अब सही दिशा में। फाइनली किंग के तो काम ही उल्टे हैं, आपको पता ही है बचपन से। अरे बाप रे, ये क्या निकला है सीसी में। की तो जरूरत ही नहीं थी, ऐसी चीज निकल गई सीसी में। और तब भी काफी वैल्यू निकाल लिया, हीरोज नहीं, ऑलमोस्ट बेस खत्म कर दिया है। और ड्रैगन राइडर्स अभी पूरे के पूरे बचे हुए हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं हेड हंटर्स का, जो कि जाके देंगे क्वीन को इलाज। क्वीन का कर दिया इलाज सेकंडों के हिसाब से। और इधर यहाँ पे हमारी क्वीन वापस से हेल्थ रिगेन कर गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ्रीज, टाइम के साथ फेलियर ना हो जाए बस, ये डर लगा हुआ है। बाकी तो ख़त्म है ये बेस। अस्सी 30 सेकंड के अंदर इतना बेस उड़ा पाएंगे क्या? उड़ाना तो होगा, लग तो निरा पर उड़ा पाएंगे। हमारी किस्मत भी तो मनहूस है, मैं कैसे भूल जाता हूँ अपनी किस्मत को। ये 99% पे जाके फेल होएगा लग रहा है। 98, 99, और ये फ्रीज, और ये ट्रिपल। अगर हम बात करें तो ये आर्मी हमारी ड्रैगन के साथ इन्फर्नो ड्रैगन्स का कॉम्बिनेशन, और ये बेस के साथ कर देती है परमुटेशन। आइए आपको समझाता हूँ कैसे करती है। पहले तो मुझे ही समझना पड़ेगा, आपको तो मैं बाद में ही समझाऊंगा। चलो जी, समझ गया मैं। अब आप कहोगे मोगेम्बो भाई आप कैसे समझ जाते हो भाई, एक्सपीरियंस भी तो कुछ चीज़ होती है दादा। अब उसको मैं कैसे आपको अपना एक्सपीरियंस आपके अंदर ट्रांसफ़र कर दूं, वो आपको खेल खेल के सीखना पड़ेगा। ये बात है भाई, जब आप सीख जाओगे आप भी आग लगा दोगे। ओपी आर्मी है ये, ओपी
ओवर पगलेट, ओवर पावरफुल नहीं होता ओपी का मतलब, ओपी का मतलब होता है ओवर पगलेट, जरूरत से ज्यादा पगलेट आर्मी। स्पेल्स का सही से इस्तेमाल करना है जीवन में जरूरी, वरना आपके अटैक रह जाएंगे अधूरी। वाह क्या बात है, क्या बात है और क्या ही बातचीत है। फ्रीज हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं जब तक एकदम अत्यंत जरूरत ना पड़ जाए। ये सिंगल टारगेट को उड़ाना है जरूरी और क्वीन की जान भी निकालना है जरूरी। उसके बाद ये बेस हो जाएगा समाप्त। ये थी हमारी अटैक स्ट्रैटेजी एयर आर्मी की नंबर 2। अभी हम चलेंगे नंबर 3, 4, 5 की तरफ। क्या समझे, क्या समझे? जो आप समझे वही हम समझे। चलो जी, नंबर 3 मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब, और ये आपने बहुत कम देखी होगी, इन्फर्नो ड्रैगन के साथ। कौन से वाला ड्रैगन है ये? ड्रैगन राइडर्स। चलिए, और 5 स्केलेटन्स, स्केलेटन्स के साथ आपको सिखाएंगे हम ये अटैक किस तरह से करता है ये काम, और क्यों है इस अटैक का इतना नाम, क्या सच में है इसमें जान, ये देखिएगा आप अभी। सबसे पहले आपको निकालना होगा टाउन हॉल, उसके बाद होगी इसमें आगे की कार्रवाई। बस टाउन हॉल निकल गया तो आप आगे की कार्रवाई चालू कर सकते हो। टाउन हॉल नहीं निकला फिर आपकी सारी कार्रवाई धरी रहेंगी। स्केलेटन्स काम आते हैं फंसाने के लिए, देख रहे हो आप कैसे फंस चुकी है जान इनकी, डिफेंसेस की, सारे डिफेंसेस की जान फंसा देंगे स्केलेटन्स। और उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है अपनी 4 फ्रीज का, लेकिन आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप सही से करेंगे अटैक का इस्तेमाल। आप उन 4 फ्रीज को इस तरह से लाइन में स्वैग कर सकते हो, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, इधर यहाँ पे आपकी आर्मी देखो, 2 दर्जन आर्मी आपकी बची हुई है जो बेस को वापस से जाके ट्रिपल मार सकती है। तो ऐसी आर्मी का भी ज़रूर करें इस्तेमाल और लगा दें मार्केट में आग। हमारी इस आर्मी को कौन नहीं जानता, सुप्रसिद्ध से भी ज़्यादा प्रसिद्ध। आइए इसकी प्रसिद्धि आपको वापस से चेक करवाते हैं और आग लगाते हैं। इसके बाद हम चलेंगे आर्मी नंबर 5 की तरफ। इलेक्ट्रो भर भैगन, बैंगन है बल्कि ये। वाह बेटे नाइस टार्नेडो, फर्क तो तब भी कुछ नहीं पड़ेगा, 3 स्टार तो मैं तब भी मारूंगा, चाहे लगा लो टार्नेडो या खुद बैठ जाओ सीसी के अंदर जाके। हमारे इलेक्ट्रो किसी छोरी तक कम है कि इनमें घना कसुत्ता दम है कि पर फिलहाल इलेक्ट्रो ड्रैगन्स बेइज्जती करवा रही हैं, जहाँ पे जाना नहीं चाहिए वहाँ पे जाके घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घूम लें दो इन्हें, क्योंकि इनकी तादाद अभी इतनी ज़्यादा बची है के कौन ही बचा पाएगा इस बेस को, कोई भी नहीं। ख़त्म। फाइनल अटैक स्ट्रैटेजी की तरफ हम आ चुके हैं, जो कि है बहुत ही खतरनाक अटैक स्ट्रैटेजी, दुनिया इससे घबराती है। यह है ब्लिज़ार्ड लावालून, आ तो गए हैं पर करें क्या, सोचते हैं उसके बाद करते हैं। सोच लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करें, नहीं आ रहा तो अटैक करो और क्या भाई।
टाउन हॉल निकालते हैं सबसे पहले, अत्यंत तुरंत। सीसी भी आ रहेगा लग रहा है। आ गया भाई सीसीबी लगभग, यस सीसी आ गया, टाउन हॉल आ गया। अब हम करेंगे हीरोज का इलाज। अपोनेंट के हीरोज का इलाज भी तो बहुत जरूरी है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाइस 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 गोइंग, दुम्मा उठा दो, आग लगा दो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई पर उसको हम सुधार लेंगे, क्योंकि क्वीन हमारी अभी भी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है मेरे दोस्त, समझ रहे हो आप। अब कई लोग इसे बोलेंगे ये किस तरह का लावालून था भाई, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आया। भाई ये मोगेम्बो का लावालून है, इसमें हम स्वैग करते हैं पॉइजन को और फ्रीज को, ये थोड़ा अलग किस्म का है, आप इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो भाई लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार है तो दादा सब्सक्राइब कर लेना, आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी।